हेलो गाइस, दिस इज वरुण और दोबारा से एक और वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस के बारे में। और ये भी एक्सरसाइज बहुत सारे लोग गलत करते हैं क्योंकि इसमें मैंने सुना है काफ़ी लोगों की शोल्डर इंजरीज हो जाती है। तो आज इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि एक एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं ग्रिपिंग के। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ग्रिप बहुत मैटर करता है किसी भी बेंच या डंबल्स को करते वक्त। तो पहले ग्रिप देख लीजिए। फिस्ट मैंने हमेशा बताया आपको सीधा रखना है, ये थम्स आपके अंदर रहेंगे, ठीक है। और एल्बो, इसमें जो इंजरीज होती है वो क्यों होती है, क्योंकि आप एल्बो अपनी बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जैसे एक रैप आप करके दिखाओ जरा, जो गलत करते हैं वो। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एल्बो आपके बाहर है, शोल्डर इसमें स्ट्रेच हो रहा है, एक रैप और दिखाओ, ये देखो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, रखो। अब देखो उसको सही कैसे करना है। पहले तो आपने बेंच को एडजस्ट किया, ठीक है। अभी पकड़ेंगे, थोड़ा सा गैप लेना है अंगूठे का, अंगूठे अंदर होने चाहिए, फिर सीधी। अब एल्बो आपकी अंदर आएगी, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप नीचे लाएं तो एल्बो आपकी अंदर रहेगी। ब्रीद आउट किया, अब एल्बो अंदर लाने से क्या होता है, क्योंकि जब आप एल्बो बाहर लेते हैं, करते रहो आप, ठीक है। जब आप एल्बो बाहर लेते हैं तो वो चेस्ट पे नहीं आता, वो आपके शोल्डर पे आता है। और ये मसल जो स्टार्ट होता है वो आपके ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यहाँ से नीचे की तरफ। तो जो मूवमेंट आएगी वो अंदर से आएगी ताकि ये मसल स्ट्रेच हो, ठीक है। दो रैप और निकालो, ब्रीद आउट, एल्बो अंदर, लॉक नहीं करना जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। बॉडी को बिल्कुल फिक्स रखना है। कई लोग बहुत हिलाते हैं, बहुत तेजी से करते हैं, स्पीड नहीं, स्पीड का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, तभी आपके मसल के फाइबर्स हैं वो ट्रेन होते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये साइड एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो अभी फ्रंट एंगल से था, ठीक है। साइड से आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। ब्रीद आउट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रीद आउट करते हैं तो मसल में जितने भी एयर्स वगैरह होते हैं वो निकल जाता है और आपका मसल ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा क्लोज आए ताकि आपको क्लोज से भी दिखा दें। क्लोज आओ, क्लोज आओ, हाँ क्लोज आओ, थोड़ा सा क्लोज से लेंगे ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। पिछली वीडियो में शायद आपको ढंग से दिखाना हो। हाँ, एक रैप और निकालो। तो आप जैसे देख पा रहे हैं चेस्ट पे सामने, आप लॉक नहीं करना, फिस्ट सीधा, ठीक है। कर्व होना ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखना, ओके। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जो थी इंक्लाइन बेंच प्रेस के बारे में, ठीक है। और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वीडियो पे कमेंट में जाके लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आप इस चैनल पर नए आए हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिले और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।